पर दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 24 वोल्ट का आर्मेचर है कार वाइपर का। वो इसको आज करेंगे रिवाइंड। इसमें मुकम्मल डाटा जो आपके साथ शेयर करेंगे, कितनी टर्ने हैं और क्या नंबर इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक, मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, ये आर्मेचर जो आपके सामने है, इसमें हमने जो टर्ने ऐड करनी है वो 30 हैं और इसमें नंबर जो है वो 25 नंबर है। तो ये कार वेपर का जो आर्मेचर है 24 वोल्ट है, इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको समझा दूंगा ताकि आप बासानी इसको रिवाइंड कर सकें, वीडियो हमारी कंप्लीट देखें। तो इसमें वायर आपने एक ही पीस लेना है और इसमें टोटल वजन 110 ग्राम है। तो इस तरीके से पेपर हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो एक दफ़ा अगर वीडियो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो इसको खुद रिवाइंड कर सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसको रिवाइंड करने का। 6 इसकी पिन है एक कॉइल की। तो इस तरीके से आपने इसके कॉइल बनाने हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने कहीं किसी भी हुक से आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो ये वायर है 25 नंबर। तो टर्ने आपको बता दिए हैं पहले मैंने कि टर्ने इसमें आपने ऐड करनी है 30, 30 टर्ने ऐड करनी है और नंबर है इसका 25। तो इस तरीके से आपने कम्यूटेटर के किसी भी हुक से आपको इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वायर जो आपने हुक के साथ फिट करनी है उसको अच्छे तरीके से आपने स्क्रैच कर लेना है ताकि इसका जो करंट है वो प्रॉपर आगे कॉइल टू कॉइल चलता रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको फिट कर लेंगे और पीछे आपने इसके 3 स्लॉट से टर्ने ऐड करना स्टार्ट करनी है। ये देखें, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 जो स्लॉट है आपने बीच में छोड़ने हैं इस तरीके से। तो सिंपली इसी तरीके से आपने कॉइल बनाते जाना है और स्लॉट टू स्लॉट आपने फिट करते जाना है। पिच आपने 6 रखनी है तमाम कॉइलों की। तो बहुत ही सिंपल और इजी इसकी वाइंडिंग है। तो टर्ने आपने तमाम कॉइलों में जो है वो 30-30 ऐड करने हैं। तो हर स्लॉट में जो है वो आपका डबल कॉइल बन जाएगा। इस तरीके से कम्यूटेटर के साथ जो इसके हुक्स हैं वहाँ पे तमाम हुक्स जब मुकम्मल हो जाएंगे तो समझ लेना कि आपकी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये सिंपल तरीका है इसकी वाइंडिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने इसको रिवाइंड कर लेना है। तो जब दूसरा कॉइल आप, तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है ताकि आपको पता चले कि कम्यूटेटर के हुक के साथ वायर जो लगनी है वो कहाँ से आपने स्क्रैच करनी है ताकि इजाफी जो है स्क्रैच ना हो। इस तरीके से फिर आपने इसको रिवाइंड करते जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी वाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं के तमाम स्लॉट जो हैं वो फुल हो चुके हैं और इसके लास्ट वाली जो हमारी यहाँ पे एंड करना है अपने वायर का, वो जहाँ से शुरू किया था जिस हुक के साथ हमने स्टार्ट किया था उसी हुक के साथ जो है वो हमारा लास्ट वाला वायर का सिरा उसी हुक के साथ टच होगा। तो इस तरीके से हमारी ये वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो 12 वोल्ट की तो काफी सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये 24 वोल्ट की है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप चेक कर सकते हैं। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, वहां पे हमारा लास्ट जो है वो सिरा आके खत्म हुआ है इस वायर का। तो यहां से हमने इसको काट लिया और इस तरीके से ये हमारा DC 24 वोल्ट कार वेपर आर्मेचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसमें और कोई नहीं। अगर वार्निश लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो आर्मेचर रिवाइंड हो चुका है। बहुत इजी और सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।